सियासत के खेल में हर वक्त चालें चली जाती हैं। विपक्ष के साथ साथ अपने भी अपनों को नेस्तोनाबूद कर देने के लिए चाल चलने में गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन असल मजा सियासत में तब आता है जब बिना चाल चले ये दिखा देना कि आपकी भी मेरे बिना दाल गलने वाली नहीं है, फिर चाहे तुम कितने भी चालें क्यों न चल। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आजकल इसी कहावत से गुजर रही है। भाजपा फिलहाल सत्ता से बाहर है और सत्ता में आने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। राजस्थान में भाजपा के कुछ प्रमुख नाम हैं: वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। वहीं इन दिनों एक और नाम चर्चा में आ रहा है और वो है राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी का, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह राजस्थान में भाजपा की तरफ से वसुंधरा राजे का विकल्प हो सकती है। और भाजपा ने दिया कुमारी का विद्याधरनगर से टिकट का ऐलान करते हुए कहीं ना कहीं उठ रही उस धुआं में चिंगारी जलाने का काम कर दिया है जो राजस्थान के सियासी गलियारों में इस समय चर्चा का विषय बनी। भाजपा की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे वसुंधरा राजे के वजूद या उनकी राजनीति को मिटाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि पिछले चुनावों के एक नारे के चलते और उस नारे में के वापस लौट आने के डर से उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है ताकि कांग्रेस की सरकार किसी भी हालत में रिपीट ना हो, उनके पास वसुंधरा का ऑप्शन भी रहे। हम आगे वसुंधरा राजे और उनकी राजनीति के बारे में बात करें, उससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि वे कौन से घटनाक्रम हैं जिनसे लग रहा है कि क्या वसुंधरा को नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब भाजपा ने प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के साथ सत्ता में बैठी कांग्रेस के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान जन आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन यहां वसुंधरा राजे गायब रही। बात यहां तक रहती तो चल जाता, लेकिन इसके बाद भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा से भी राजे की दूरी कार्यकर्ताओं को अखड़ने लगी। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि सत्ता में बैठी कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के इन दोनों बड़े मूवमेंट में वसुंधरा राजे खुद गायब रही या फिर भाजपा ने उन्हें नजरअंदाज किया। कहा जाता है कि नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन से पहले ही प्रदेश भाजपा पार्टी आलाकमान और वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी। समय के साथ साथ इन बातों को बल मिलने लगा। इन कयासों में चार चांद जब लगे जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की यात्रा पर आए और जहां मंच पर लंबे समय तक वसुंधरा राजे गायब रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से 5 मिनट पहले ही वह मंच पर पहुंची और उस मंच पर का जो नेतृत्व था वो किया था दिया कुमारी ने। तब से दिया कुमारी का नाम वसुंधरा के समकक्ष रखा जा रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद भी वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए नजर आ रही। भाजपा की ओर से 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 41 नामों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन इस सूची में ना तो सिर्फ वसुंधरा राजे को निराशा हाथ लगी है, उनके साथ ही उनके समर्थकों को भी निराश होना पड़ा है, जिसका नतीजा झोटवाड़ा, विद्याधरनगर सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में बगावत के रूप में देखा जा रहा है। टिकटों की घोषणा होने से पहले राजनीतिक पंडितों के दावे की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे जब दिल्ली में अपने कुछ विधायकों के साथ मौजूद थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको मनाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिशें पहली सूची आने के साथ ही धुलती हुई नजर आई। 41 सीटों पर टिकटों की घोषणा के बाद भी वसुंधरा राजे की चुप्पी आलाकमान के लिए चिंता का विषय बन चुका है। कहा जाता है कि जब वसुंधरा राजे ने चुप्पी साधी है तो आने वाले तूफान की शांति रही। ऐसे में अब क्या आने वाले सूचियों में वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को तवज्जो मिलेगी या नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे की चुप्पी और उनके समर्थकों की बगावत अब आलाकमान के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बन चुकी। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं ललित वर्मा।